नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि किसे किसे मंत्री बनाया जाएगा और किन किन पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किसकी सीट खतरे में नजर आ रही है। ऐसे में आप हमारे साथ एजुकेशन इंडिया की एक खास पेशकश अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा कि इस बार का उप मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। आपको बता दें, इस बार भी एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और खबरें ये दावा कर रही है कि इस बार 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उन्हें शायद इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दिनेश शर्मा की। दिनेश शर्मा जो कि एक दिग्गज नेता है और फिलहाल वे उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, आपको बता दें जो खबरें हमारे सामने आ रही है, जो अभी तक चर्चाएं चल रही है उसके अनुसार पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे और भाजपा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी में कोई बड़ा पद दे सकती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रचार किया है। तो ऐसे में आगे गुजरात को, आगे हिमाचल प्रदेश को टारगेट करना चाहेंगे, तो दिनेश शर्मा को यहाँ पर भाजपा कोई बड़ा पद दे सकती है पार्टी में, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। वहीं दूसरा नाम, जैसा कि आपको पता है, केशव प्रसाद मौर्य का भी है। केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल चर्चाओं में बने हुए हैं। चर्चाओं में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वे भाजपा के स्टार प्रचारक रहे, लेकिन खुद की विधानसभा पर चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद क्या वे उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एक सवाल उत्पन्न होता है और ये सवाल लाजमी भी है। आपको बता दें, इसका जवाब जो चर्चाएं हैं उनके अनुसार तो नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह हो सकती है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। 50 से अधिक मंत्री बनाए जा सकते हैं, खबरों के अनुसार 57 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब आइए वीडियो में आगे बात करेंगे हम कि किन्हें इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री की सीट किन्हें मिलेगी। हमारे सामने कुछ नाम आते हैं। पहला नाम है बेबी रानी मौर्य का। बेबी रानी मौर्य एक दिग्गज नेता है, इनके साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल भी है। यहाँ पर भाजपा ने उनसे गुजारिश की थी, भाजपा ने उन्हें समझाया, आग्रह किया और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए राजी किया। बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश में वे विधानसभा चुनाव लड़ी और भाजपा की तरफ से जीती भी है। ऐसे में भाजपा उन्हें एक बड़ा पद दे सकती है। मंत्रिमंडल में शामिल होना तो लगभग पक्का है, लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। दूसरा नाम आता है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, समाजवादी पार्टी छोड़कर उन्होंने भाजपा का हाथ थामा है। अब जैसा कि पहले से ये दिग्गज नेता रही है और उसके बाद वे समाजवादी पार्टी के प्रमुख के यहाँ पर काफ़ी करीबी है, तो ऐसे में जब ये भाजपा में शामिल हुई तो समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं वोट गिरे हैं, इसी वजह से वे स्टार प्रचारक भी रही भाजपा की। इसके बाद अब जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार अपर्णा यादव उप मुख्यमंत्री के पद के लिए एक बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इनके अलावा अदिति सिंह का भी नाम है। आपको बता दें, अदिति सिंह जो कि रायबरेली से चुनाव जीती है, रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ है, पहली बार भाजपा जीती विधानसभा में। और यहाँ पर आपको बता दें, अगर अदिति सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को टारगेट करेंगे। लोकसभा चुनाव में रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और अगर कांग्रेस के इस किले को ढहाना है तो फिर अदिति सिंह को इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। आपको बता दें, अदिति सिंह जो कि कांग्रेस से आई है, भाजपा में शामिल हुई है, ऐसे में अदिति सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें, ऐसी भी चर्चाएं लगातार बनी हुई है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि किन्हें अब मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री बनाया जा सकता है, सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है नितिन अग्रवाल का। नितिन अग्रवाल को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। नितिन अग्रवाल जो कि पहले, आपको बता दें, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थे और इसके बाद अब वे भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े हैं। भाजपा इन्हें एक बड़ा पद दे सकती है, मंत्री
बना सकती है, ऐसी खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई है। इनके अलावा जो नाम हमारे सामने आता है वो है केतकी सिंह का। केतकी सिंह जो कि बलिया की बांसडी सीट पर जीती है, पहली बार बांसडी सीट पर भाजपा जीत पाई है। वहीं आपको बता दें अदिति सिंह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। असीम अरुण का नाम भी आता है, असीम अरुण जो कि कानपुर में वे पुलिस कमिश्नर थे और पुलिस कमिश्नर का पद छोड़ा, योगी के आग्रह पर पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर वे भाजपा में शामिल हुए, भाजपा की ओर से चुनाव लड़े और वे जीते हैं। ऐसे में असीम अरुण को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसी खबरें भी चर्चा में बनी हुई है। वहीं अगला नाम है अंजुला माहौर का। अगर आप दलित लीडरशिप चाहते हैं, अगर आप दलित में एक दिग्गज नेता को चाहते हैं जो कि आपके लिए दलित वोट बैंक अपनी तरफ लेकर आए, तो फिर भाजपा अंजुला माहौर को मंत्री बना सकती है और दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए एक टारगेट रख सकती है। आगे बढ़ते हैं, श्रवण कुमार निषाद का नाम आता है। निषाद पार्टी जो कि भाजपा की सहयोगी पार्टी रही है, संजय निषाद जो कि प्रमुख है निषाद पार्टी के, उनके बेटे हैं श्रवण कुमार निषाद, संजय कुमार निषाद फिलहाल आपको बता दें MLC है, उनके बेटे श्रवण कुमार निषाद जो कि चुनाव जीते हैं निषाद पार्टी से हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन पार्टियों की जो कि साथ में रही है वह भी अपनी और कुछ सीटें मंत्रियों की देना चाहेंगे, तो श्रवण कुमार निषाद को भी मंत्री बनाया जा सकते हैं, ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है। आगे बात कर लेते हैं राजेश्वर सिंह की, लेकिन एक खबर आपको बता देते हैं, राजेश्वर सिंह या असीम अरुण दोनों में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ने ही वे पहले पुलिस में थे और दोनों ने इस्तीफा दिया पुलिस से और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, भाजपा से जीते, तो माना जा रहा है कि दोनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगला नाम आता है सुरेंद्र कुमार कुशवाहा का। इनके बाद त्रिभुवन राम, दलित लीडरशिप यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, तो अंजुला माहौर और त्रिभुवन राम दोनों को ही टारगेट किया जा सकता है, दोनों को ही मंत्री बनाया जा सकता है और दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। अगला नाम अनुराग सिंह का आता है। इस प्रकार से कुछ नाम है जिन्हें की मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है कि किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। फिलहाल जो है बैठकों का दौर जारी है, अब कब तक ये बैठकों का दौर चलेगा, मंथन अभी चल रहा है तो ये मंथन कब खत्म होगा, कब हमारे सामने चेहरे आएंगे कि किन्हें मंत्री बनाया जा रहा है और कब हमारे सामने तारीख पक्की होगी, फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन खबरें आ रही है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। ये तो फिलहाल कुछ ही नाम थे, 57 मंत्री बनाए जा सकते हैं ऐसी खबरें थी, तो 57 नाम भी आपको बताने पड़ेंगे। आपके लिए हम लेकर आएंगे हर एक वीडियो, आप एजुकेशन इंडिया पर लगातार बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।